मानसा जिले के डीसी एसएसपी नूं मिलन गए इंसाफ दी आवाज़ पार्टी के आगुआ ने दोष लगाया कि मानसा दे विच परल कंपनी की तकरीबन 400 एकड़ जमीन पई सी जिस नूं नजायज़ तरीके दे नाल खुरद बुरद किया गया। इस विच कई लीडरां अते सरकारी अधिकारियों की मिली भुगत दे नाल नकली कागज़ बना के जमीन 2 नंबर दे विच बेच दित्ती गई, जदों के माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए सन कि परल कंपनी नाल संबंधित किसी भी जमीन नूं वेचिया जां खरीदिया नहीं जा सकता। पर मानसा दे विच सारे हुक्मां नूं छिक्के ते टंगदिआं 400 एकड़ दे करीब जमीन खुरद बुरद कर दित्ती गई। जानकारी दिंदिआं गुरतेज सिंह बैमण ने की कहा, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। गुरतेज सिंह बैमण जी, अच्छा किहड़े मसले तुसीं अज इकट्ठे होए? मैं जी इंसाफ की आवाज़ जथेबंदी का पंजाब का चेयरमैन है गुरतेज सिंह बैमण। मैं और मेरे साथी अज इत्थे डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP साहब नूं मिलन आए सी। डिप्टी कमिश्नर साहब नूं असीं मिल चुके हैं, हुणी हुणी मैं उन्हां कोल जाके आएगा। साडा जिहड़ा मुद्दा यह है कि पूरे भारत में जिस तरह उस तरह मानसा जिले के 400 एकड़ के करीब परल कंपनी की जमीन है जिदे ते जिन्हों के बड़े लेवल से खुरद बुरद किया जा रहा नजायज़ तरीके नाल, नजायज़ डाकूमेंट बना बना के, और दूसरा है नजायज़ कब्जे भी है। असं इस मुद्दे को लैके अच्छे डिप्टी कमिश्नर मानसा मिल के आए। उन्हें कि वालों खुरद बुरद की गई जमीन काफ़ी लोग है, वैसे वो परल कंपनी की मैनेजमेंट परल कंपनी जो MD CMD निर्मल सिंह भंगू वो कुछ रिश्तेदार और नजदीकी व्यक्ति और कुछ एक व्यक्ति इतों के मान लो सत्ताधारी धिर के जोड़े राजनीतिक लोग है उन्होंने वो योगदान है हिस्से। तुहाडे वल्लों कोई SSP मानसा नरेंद्र भार्गव उत्ते भी इल्जाम लग रहे थे, की है पूरा मामला? असी काफ़ी समा पहला पिछले तकरीबन 6 महीने पहला इतने भुख हड़ताल भी सदे सरार कौमी प्रधान महेंद्रपाल सिंह धानगढ़ जी ने लगातार 8-9 दिन रखी सी। इतने जो साडा मसला है वो ये कि SSP नूं मिले, डिप्टी कमिश्नर नूं मिले, तफ्तीश हुई, ये भी साबित हो गया। माल महकमे की तफ्तीशी अफसर ने साबित कर दिता कि जो उत्थे जमीना खुरद बुरद होंगे नजायज कब्जे सब कुछ साबित करता जो असी इल्जाम लाए। उस तो बाद जी DA तो राय हो गई, जो डिस्ट्रिक्ट अटारनी हुंदा है उन्हें राय दे दी कि इन्होंने व्यक्तियों ने आह काम किया है, इन्हों से आह तरावान दिता है 420, 465, 467, 468, 472 वगैरह से इन्होंने तरावान के तहत परचा दर्ज होना चाहिए। जो मानसा जिले की पुलिस सी जिसे असं कि सीधा कहने कि जब तो नरेंद्र भार्गव की कोई मिली भुगत सी जो इतने पहला SSP सी, कोई भी कोई होर गल सी जो मैनेजमेंट नाल गलबात सी, कोई सानू नहीं पता की सी भी मानसा जिले की पुलिस ने अज तक उहदे ते कोई कार्रवाई नहीं की। डिस्ट्रिक्ट अटारनी की राय हो जाए, डिप्टी कमिश्नर लिख के दे दे और इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई ना करे तो हम तुसी भी सियाने कोई गलत है। हम की मांग कर रहे हैं प्रशासन तो ये बदल गया SSP? असी यही मांग करते हैं दोनों विभागों को, जिस तरह माल विभाग ने बहुत सारे इंतकाल इतने जो पहला DC मैडम से उन्होंने खारज भी कर दिते, असी उन्होंने अज भी उस गल सलाहते हैं, उदों भी सलाहते कि उन्होंने एक वधिया कदम चुकया, इस तरह के होर कदम चुकने की लोड़ है जिथे कोई नजायज़ कब्जे उन्होंने हटाया जाए, जेडे उन्होंने प्रॉपर्टी की आमदन है वो जां तां गरीब निवेशक तक पहुँचे, जो कमेटी बनी हुई RM लौटा जो सबका चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के उन्हों की अगवाई के जो कमेटी बनी जाए भी इतने होर ही लोग निर्मल सिंह भंगू के रिश्तेदार जो दोस्त या राजनीतिक लोग उन्होंने खाई जाते हैं, जेडे गरीब लोग जिन्हों का परल कंपनी पैसा निवेश होया होया वो अज बेचारे दर दर दी ठोकरां खाई जांदे आ, किसी के घर के बीमारी बड़ी हुई है, किसी की बेटी का विआह करन वाला है वो बेचारे अज तंग होई जांदे आ। अजे ते यही मंग कीती है भी एक तो उन्हां दोषियों ते परचा दर्ज करो तां जो जमीन नूं खुरद बुरद ना करन और होरां नूं भी उन्हां नूं देख के सबक मिले। तुहानूं नहीं लगता भी कितें ना कितें इत्थे जिहड़े सरकार दे हुक्म ने जां कोर्ट दे हुक्म ने उन्हां नूं आनाकानी कीती जा रही है मन्नण च? बिल्कुल हो रही है जी, इस गल च कोई दो रामा नहीं। साडे सामने सरेआम ही डिस्ट्रिक्ट अटारनी एक राय दिंदा हुंदा है अपनी लीगल राय जो दिंदा है, उन्हें राय देती, इसके बावजूद मानसा की पुलिस ने अज तक 8-7 महीने हो गए परचा तक नहीं दर्ज किया। होर आम व्यक्ति हों छोटी जी गल देकर परचा दे दूजे दिन अंदर भी ठोकते हैं भी कोई गल तो हैगी है,